पैरागॉन स्कैंडल के अहम किरदार कैसर अमीन बट को दिल की तकलीफ हुई है। कैसर अमीन बट को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया है। आगाह करें हैं पैरागॉन स्कैंडल के हवाले से खबर है और अहम किरदार कैसर अमीन बट जिनको दिल की तकलीफ हुई है और ये कहा जा रहा है कि कैसर अमीन बट को दिल की तकलीफ के बायस पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मुंतकिल कर दिया गया है जहाँ कि उनका बेहतर तौर पर तिब्बी मुआयना किया जा सके। इस बारे में मजीद जानते हैं बिलाल चौधरी से। बिलाल चौधरी बताएगा कैसर अमीन बट को मुंतकिल किया गया है PIC में। जी बिल्कुल हाजी, कैसर अमीन बट को जो है वो गुज़िश्ता रोज दिल की तकलीफ हुई थी जिसके बायस उनको PIC पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में लाया गया था और उनकी कल उनकी जो है वो इकोकार्डियोग्राफी का जो टेस्ट है वो किया गया था। आज अब उसकी रिपोर्ट आई है तो वो तसल्ली बख्श नहीं है और जो डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि उनमें कॉम्प्लिकेशंस जो है वो सामने आई हैं। आज मजीद जो है हाजी कैसर अमीन बट के जो टेस्ट हैं वो किए जा रहे हैं और वो अभी इस वक्त मेडिकल वार्ड में है और उनकी जो हालत है वो तसल्ली बख्श नहीं है। उनकी जो दिल की धड़कन भी है वो भी तेज है। इस हवाले से उनके जो मजीद जो बेसिक टेस्ट थे दिल के आरजे के हवाले से जो होते हैं वो भी किए जा रहे हैं और अस्पताल इंतजामिया का ये कहना है कि हाजी कैसर अमीन बट को जो है वो अभी उनको मेडिकल वार्ड में रखा जा रहा है और उनको मुकम्मल तौर पर उनको चेकअप की जो सहूलियात है, इलाज मुआवजे की सहूलियात है वो फ्राहम की जा रही है और उनकी जो कंडीशन है अभी स्टेबल नहीं है। जी कंडीशन उनकी भी स्टेबल नहीं है, अभी इलाज मुआवजा जारी है। कैसर अमीन बट को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मुंतकिल किया गया है। पैरागॉन स्कैंडल के अहम किरदार हैं और ये कहा जा रहा है कि उनको दिल की तकलीफ हुई इसलिए PIC में मुंतकिल किया गया।